बहुत नीचे है यार, बहुत नीचे है। डर गया यार मैं। हेलो गाइस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल लिव टू राइड। माय नेम इज आकाश एंड आज हम लोग किल्लार से किश्तवाड़ तक का पूरा रास्ता कवर करेंगे एंड इस रोड पे हमारी जो बैंड बजी थी वो मैं आपको समझा नहीं सकता। सो आप इस वीडियो को पूरा देखना अगर आप ये ट्रिप कभी फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं तो। किल्लार ऑर्केस्ट्रा के दिमाग फाड़ देने वाले ट्रैक के बाद दिमाग फाड़ देने वाले व्यूज। कंचन ओए अबे तेज चलाओ, हम लोग बहुत धीरे चल रहे हैं। तेज चलाओ, पागल हो गए? तेज चलाओ बे, पागल हो? बहुत धीरे चल रहे हैं, तेज चलाओ। अभी एक्चुअली मैं थोड़ी देर पहले मेरे से ये डायलॉग मार रहा था, अबे बहुत धीरे चल रहे हैं भाई, तेज चलाओ। इट वाज लाइक हाईवे का रास्ता था एंड इसको पता नहीं था कि ये ऐसी रोडें आने वाली है। हमें किसी तरीके की जल्दी निकलनी है ऐसे रास्तों पे, बहुत आराम आराम से चलाना है एंड ध्यान से चलाना है, व्यू का मजा ले एंड एडवेंचर जो आपके रगों में दौड़ रहा है उसको पुनर्जीवित करें। ज़्यादा ही हिंदी हो गई है वैसे। और बहुत ही अमेजिंग व्यूज थे वहाँ पे एंड अमेजिंग व्यूज अभी भी हैं, बट द रास्ता इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बहुत ज़्यादा गहरा है यार, पकड़ में बहुत ज़्यादा था, ये बहुत ही गहरी। एंड हम पाटर पहुँच गए एंड ये पाटर का मंदिर था एंड थोड़ा बहुत रोड ठीक लग रहा है बट आई थिंक सो पाटर के बाद तो रोड ख़त्म हो जाने हैं बिल्कुल ही। एंड हम पाटर से अराउंड 20 किलोमीटर्स पहले हैं एंड दिस इज आई थिंक द चेनाब एंड दिस इज आई थिंक द चेनाब रिवर। कैन यू हियर द एंड ही इज दिस इज चेनाब रिवर एंड ही इज पॉइंटिंग यू। एंड हम लोग पाटर से 20 किलोमीटर्स पहले हैं एंड रास्ता तो समझते हैं कि दिस इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेडलीस्ट रोड, बट दिस द साउंड ऑफ दिस रिवर जब कान पे लग रही है एंड इट इज़ क्रिएटिंग द चिल्स इन द स्पाइन एंड नाउ वी विल गो टू पाटर।
कोमल सुरेंद्रस रोड का छोटा भाई तो ख़त्म हो गया है एंड आज तो आई डोंट थिंक सो वी हैव टाइम, तो हम कल नेक्स्ट डे पूरा करेंगे, कल पूरा करेंगे हम उसका बड़ा भाई भी। ये मैं काट दूंगा भैया इसमें से। गाय माता, we have just crossed the Gulabgarh bridge and we have reached Gulabgarh. Gulabgarh is around 500 kilometers and we will take a stay here. भैया गुलाबगढ़ यही है नीचे? यही है। It is around 9 o'clock in the night and ये देखिए इसको इसका फ्रेंड मिल गया है एंड वी हैव हैड आवर फूड इन दिस ढाबा एंड हम लोग गुलाबगढ़ में रुके हैं आज रात को एंड टुमारो वी विल गो टू किल्लर बिकॉज रात में किल्लर का रास्ता करने का कोई फ़ायदा नहीं, ना कोई खूबसूरती देख पाते हम एंड ऊपर से कठिन भी बहुत है। सो वी विल डू इट इन द मॉर्निंग एंड देन वी विल गो टू किल्लर एंड फ्रॉम किल्लर वी विल डिसाइड दैट वी विल डू सच पास टुमारो और डे आफ्टर टुमारो एंड वी आर सिटिंग हियर एंड इट इज़ 11 o'clock इन द नाइट एंड हैविंग अ कप ऑफ टी हियर। आई एम सिटिंग विद दिस, ही इज आवर फ्रेंड, ही कैन नॉट here and he cannot speak, he man, just man, man. and he is my friend as you know and we are staying in Charm Hotel and he is a very decent guy. Hum log bahut dur the, hame bahut dur se bula ke leke aaya tha. So good night and I will meet you tomorrow morning. Good night. Good morning guys, it is 9 o'clock in the morning and we are now heading towards Killar. We are all prepped and ready, we are just preparing our bikes and now we will be heading towards Killar. Let's see if we can cross such pass today or not. And we are now prepped and ready and it's 9:10 in the morning and we have done 955 kilometers from Gurgaon and now we are heading towards Killar and we have left from Gulabgarh. इधर उधर तो हो जाए यार, हटो मैं, अबे अंधी है हट। अरे ये बताओ सबसे बड़ा पागल कौन? अरे यार पूरी बाइक पे चल रही है, शिट है। ओए 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 फंसना नहीं, फंसना नहीं, चलो चलो। And I think these off-roading tires are coming handy now. Whoa! I can see one very dangerous waterfall. Oh, oh! Oh, oh! Do not use clutch. I'm exhausted now. चलो यहाँ से उतर तो रहे हैं, लेकिन साला चढ़ना कितना मुश्किल होता है यार। चल जा यार। ओए ओए
जय हनुमान जी की। फंस गई भैया, थोड़ा सा मदद करा दो। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। और 5 मिनट के बाद उन लोगों ने वो क्लियर कर दिया है एंड नाउ ही विल कम, होपफुली ही डजंट गेट स्टक लाइक मी। रोड ही पहाड़ काट के बनाया है इन लोगों ने, इनसेन रोड, इनसेन अमाउंट ऑफ एफर्ट लगे होंगे तब ये रोड बना होगा मेरे हिसाब से। ऑसम, ये पत्थर भी, इट्स लाइक बहुत सूखे पत्थर है, कभी भी पत्थर कोई भी गिर सकता है, सो हैव टू बी केयरफुल एवरी टाइम। एंड आई थिंक वी हैव रीच्ड आवर विलेज। और ये है देसी मुर्गा। ओए ओए, डरा क्यों रहा है साले? And we have crossed the halfway of this world's most deadliest road and we have just crossed Ishtiyari. These are the valleys which we are going through. They are really very beautiful. Oh, oh, bahut niche hai yaar, bahut niche hai. Oh, dar gaya yaar. Oh, oh, it is really scary. एडवेंचर के लिए आए हम, द वर्ल्ड मोस्ट डेडलीस्ट रोड। एंड ऊपर से मैं यहाँ से बहुत 3-4 जगह देख रहा हूँ, ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है एंड डायरेक्ट रोड पे, एंड रोड इज जस्ट अ सिंगल लेन रोड, तो वाटरफॉल इज कमिंग फ्रॉम अपसाइड एंड वी आर। और ये काई वाले पत्थर हैं, तो दिस इज ऑलरेडी वेरी मस्ट एडवेंचर। इतना ज़्यादा मैंने नहीं सोचा था यार, इतना ज़्यादा खतरनाक है। भगवान जी हमारे साथ हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Have to be alert at all times and these slushy roads, यार इतना कठिन रोड है, ऊपर से इतना slushy यार, shit यार। So all of you who are planning to come here, this path starts after that village Ishtiyari which we crossed and now let's see कहाँ तक ऐसे ही roads रहते हैं। Oh. वैली तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बस एक चीज़ ध्यान में ही आ रही है कि सिर्फ रोड पे फोकस करना है, नीचे तो देखना, ओ भगवान जी नीचे तो देखना ही नहीं है यार, चाहे कुछ भी हो जाए नीचे तो देखना ही नहीं है। पूरी चढ़ाई चढ़नी है एकदम, ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, हमें बिल्कुल खड़ी चढ़ाई चढ़नी है। वाह यार, we'll be right back।
amazing view, yaar. These are, I think, 4 or 5 hairpin bends. फ्लशी रोड कम पड़ के जो शोन स्टूटिंग एरिया भी है अब यार शिट यार अरे 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 क्या हो गया भाई ये मरने की कोशिश कर रहा है लेकिन मर नहीं पा रहा अबे सुसाइड करना है तो वहां कूद जा साले बढ़िया बिल्कुल मुझे बादलों के ठीक नहीं लग रहे हैं मिजाज रोड्स ऑलरेडी बहुत फ्लश हैं यार बारिश की वजह से तो बिल्कुल ही देर मर जाएगी रोड And we are, I think, about 2 hours away from Killad, and we have done about 40 kilometers in about 4.5 hours. You can imagine the condition of the roads, and these are the views, and these are the roads. Or road के जो बगल में अभी तो यार पूरा झाड़ी है, but it's like बहुत नीचे है. मेरे को end भी नहीं दिख रहा है इसका इतना नीचे है. मेरे को तो देख के इसको चक्कर आ रहे हैं. So I am just focusing on the road. So let's hope we reach Killad in time because it is started raining. It's already very dangerous road and after this rain I just cannot imagine what we will see in front. So let's hope for the best. So we took a rest for about 10-20 minutes and we are now on our way to Killad. We have just seen it on the Google Maps. It is around 20 kilometers from here. So I think it would take us about 1 hour or maximum 1.5 hours to reach Killad. And we will be stopping at Killad today. And it is 12:30 in the dopahar. And we have done 987 kilometers from Gurgaon. Okay, yaar upar se it is right. Border road on the right station. Hats off to you. Hats off to you. Are about 14 to 15 kilometers from Killad. And now we are in the Pangi Valley. Himachal Pradesh. This that bridge is Jammu and this is Himachal Pradesh now. And we have just crossed the checkpost. We have given our identification and everything and they were telling us really scary stories about such path. They told us that 1 week before only two person who was trying to cross such pass died because of the heavy snowfall and for about 10 to 12 days unki body bhi nahi mili kisi ko. Can you see that view? And we are just 10 or 15 kilometers away from Killad. I think this village which we are seeing behind is Killad only. And the view is really amazing. And the roads were really very dangerous. And we have crossed them bahut bahut hi zyada mushkil se. Let's go to Killad now. And we will take a stay at Killad. And we will do such pass tomorrow only.
So let's hope for the best. जल्दी निकलो कहाँ से आ रही है रोड तो साली वैसे भी ढहने वाली रोड लग रही है साली पूरी तो लैंडस्लाइड। एंड हम लोग ऐसी जगह पर हैं जहां पर गूगल मैप भी नहीं पहुंच सकते हैं। ये भैया लोग पूरा एंजॉयमेंट के मूड में हैं। ये देखे पड़ी हुई है इनकी, वो एक कुछ छुपा कर रखा हुआ है इनने। एंड वहां पर JNK है। दिस इज सच पास एंड दिस इज लाहौल स्पीति के पहाड़ हैं ये। यहां से मनाली का रास्ता पड़ता है एंड यहां पर आपको कोई गूगल मैप भी नहीं ला सकता। एंड अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो इसको लाइक करना ना भूलें एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। और आगे आपको मैं दिखाऊंगा। Now because it is no use, we cannot go in. यहाँ से चलो भाई, यहाँ से।